दोस्तों मंगलवार को बिग बॉस OTT 2 के घर में नई शुरुआत हुई और इन दिनों शो में मनीषा रानी, बेबिका, अभिषेक मल्हान, पूजा भट्ट, साइरस, जैड हदीद, फलक नाज, अविनाश सचदेव और जिया शंकर नजर आ रहे हैं। देखिए इन दिनों सभी घर वालों के बीच लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं और सोमवार को जिया शंकर कप्तान बन गई है। जिया के कैप्टन बनने के 24 घंटे के अंदर ही काफी कुछ हो गया है। तो दोस्तों वहीं मंगलवार को इस घर में एक नया टास्क देखने को मिला और हमेशा की तरह बिग बॉस के घर के कैप्टन को लेकर एक नया ट्विस्ट लेकर आया। उन्होंने कहा कि जिया की कप्तानी अभी कंफर्म नहीं है और ऐसे में जो उन्हें कुर्सी पर से 3 घंटे के अंदर उठा देगा वो नया कप्तान बन जाएगा और साथ ही वो किसी दूसरे को नॉमिनेट भी कर सकता है। ये जिया शंकर खुद को बचाने के लिए कुर्सी पर बैठी और ऐसे में उनको मनीषा रानी ने, बेबिका ने, अभिषेक मल्हान ने उठाने की कोशिश की और कभी उनके ऊपर मिर्ची पाउडर डाला तो कभी शैम्पू और हद तो तब हो गई तब हेड वॉश और रिफाइंड काली मिर्च पत्ता समेत न जाने क्या क्या उन पर डाल दिया और ऐसे में वो टस से मस नहीं हुई। इसके अलावा साइरस और पूजा भट्ट ने भी फोम क्रीम डाली और फिर शांति से बैठ गए तो वहीं दूसरी तरफ अविनाश जिया की मदद के लिए उन पर पानी डालते नजर आए और इस दौरान अविनाश और अभिषेक के बीच लड़ाई भी देखने को मिली। देखिए 3 घंटे पूरे होने के बाद जिया शंकर ने टास्क जीता और वो कंफर्म हो गई घर की नई कप्तान और जिया शंकर को कप्तानी मिली तो बिग बॉस ने उनको एक पावर भी दी जिसमें वो किसी एक को सुरक्षित कर सकती हैं और किसी एक को नॉमिनेट कर सकती हैं घर से बेघर करने के लिए, जिसमें जिया ने खुद को घर से बेघर होने के लिए सुरक्षित किया और पूजा भट्ट को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। इसके अलावा जिया शंकर ने मनीषा रानी को जेल के सलाखों के पीछे भी भेज दिया। अब दोस्तों देखना होगा कि इस वीकेंड का वार पर कौन घर से बेघर होता है और कौन रह जाता है इसी घर में। बाकी दोस्तों बिग बॉस OTT के इस सीजन में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसको आप जिताना चाहते हैं ये शो, आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।